असलकुम सतरियाक नमस्ते हेलो एवरीवन आई होप आप सब अच्छे से होंगे खैरियत से होंगे तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बी का है दैट इज़ नेचर एंड मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी तो जो फ़िलासफ़ी है दैट इज़ डिराइवड फ्राम ग्रीक वर्ड डिवाइडेड इन टू पार्ट्स फिलो Philia, Philo, or Philia, or Philos, which means love, and Sophia, which means wisdom. Etymologically, फिलॉसफी मीन्स द लव और परस्यूट ऑफ विजडम और लव ऑफ नॉलेज तो फिलासफी जो है दैट इज लव फॉर नॉलेज और विजडम विजडम क्या होता है विज्डम इज द हाइस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज मतलब कि विजडम नॉलेज गेन करना ही होता है लेकिन दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉलेज फॉर एग्जाम्पल टीचर्स या डॉक्टर्स या साइंटस्ट जो होते हैं उनके पास नॉलेज होती है एक्सट्रीम का मतलब एक्सट्रीम नॉलेज होती है मतलब कि जिनके पास बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज हो किसी के किसी चीज़ के बारे में या ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज हो उसके पास तो उसको बोलते हैं विजडम ओके तो फिलोसफी इज मदर ऑफ ऑल आर्ट्स एंड साइंसिस ये बिलीव किया जाता है कि जो फ़िलासफ़ी है दैट इज़ मदर ऑफ़ ऑल आर्ट्स एंड सैंसेस फिलासफ़ी में क्या होता है स्केप्टिसिज्म स्केप्टिसिज्म क्या होता है फील ऑफ क्वेश्चनिंग मतलब कि फीलिंग ऑफ क्वेश्चनिंग या डाउट जहाँ पे आपको क्वेश्चन करने की उत्सुकता हो या डाउट हो किसी चीज़ के बारे में दैट इज कॉल्ड ए स्केप्टिसिज्म फिलासफी में स्केप्टिसिज्म होती है तो देखते हैं फिलासफर हम किसको कहेंगे हु इज़ फिलोसफर पहले ही हु हैज़ अ टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड हु इज ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न फिलासफ़र हम उसको बोलेंगे जिसके पास हर किसी किस्म का मतलब वो जानना चाहता हो हर किसी बात को हर कोई नॉलेज रखता हो या क्यूरियस हो लर्न करने के लिए उसको हम फिलासफ़र बोलेंगे फिलासफ़र इज़ द लव ऑफ विजन ऑफ ट्रूथ जो फिलासफ़र है उसके पास वो उसको प्यार होता है ट्रूथ से वो हमेशा सच जानना चाहता है उसको हम फिलासफ़र बोलते हैं फिलासफर इज़ द लाव ऑफ विजडम एंड कंटिन्यूसली सर्च फॉर इट फिलासफी इज़ द लव ऑफ विजडम एंड कंटीन्यूसली सर्च फॉर इट जो फिलासफर है वो हमेशा विजडम के प्यार में होता है वो हमेशा चाहता है कि मैं और जानूँ और जानूँ वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता तो उसको बोलते हैं फिलासफर जिसको हमेशा डाउट हो जो हमेशा क्रिटिसाइज करे बट इन हेल्दी वे आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा तो आगे चलते हैं तो चलिए देखते हैं वॉट इज़ फिलासफी फ़िलासफ़ी होती है फिलासफी इज अ रैशनल अप्रोच ऑफ आंसरिंग अनसेटल्ड सेटल्ड क्वेश्चन एंड रीडिफाइनिंग वेरियस एनटाइट सॉरी एंटिटीज ऑफ यूनिवर्स इन इट्स ओन वे जो फिलॉसफी है वहाँ पे लॉजिकल थॉट्स लगते हैं जो आंसर करता है अनसेटल्ड क्वेश्चंस को और रिडिफाइन करता है जो भी चीज़ें हैं उनको और खोजने की मतलब कभी किसी साइंटिस्ट ने, ने कुछ डिस्कवर किया होता है तो वो उस चीज़ को फिर से खोजने की उत्सुकता रखता है तो उसको फिलॉसफी बोलते हैं वैन एवर फिज़िकल साइंस फेल्स जब प्रैक्टिकलिटी फेल होती है तो थ्योरी काम में आती है दैन फिलोसफी वर्कस मैन इज ऑलवेज क्यूरियस टू नो जो आदमी है इंसान वो हमेशा क्यूरियस होता है जानने के लिए कुछ चीज़ें क्या क्या हिज़ औरिजन वो कहाँ से आया हिज़ एम इस दुनिया में आने का उसका क्या मतलब है हिज़ रिलेशन विद गॉड उसकी क्या रिलेशन है गॉड से अल्लाह से भगवान से हिज डेस्टिनी उसकी उसको आखिर में जाना कहाँ है मतलब जो फिलोसफर होता है वो बोलता है कि मुझे जाना कहाँ है इस दुनिया के बाद क्या है वो मतलब क्यूरियस होता है हमेशा जानने के लिए वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता चाहे उसके पास कितनी भी नॉलेज हो वो और जानने की कोशिश करता है हमेशा वाई फ़िलासफी इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीचर जैसे कि आप सबको पता है हम बी एड में एजुकेशन के मुतल पढ़ रहे हैं हमें स्कूल में कैसे डील करना है स्टूडेंट्स से तो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप पढ़नी है हम फिलासफी क्यों पढ़ रहे हैं इस बी एड के कोर्स में तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिलेशन वाई फ़िलासफी इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीचर टीचर के लिए फ़िलासफी पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है तो पहले इट हेल्प्स इन वॉट टू टीच एक टीचर को हेल्प करता है फिलोसफी कि उसको क्या पढ़ाना है वाई टू टीच क्यों पढ़ाना है उसको हाउ टू टीच उसको कैसे पढ़ाना है फिलॉसफी उसको बताती कैसे पढ़ाना है क्या पढ़ाना है फिलॉसफी आंसर्स द क्वेश्चन अबाउट पर्पज़ ऑफ़ स्कूलिंग एक बच्चा स्कूल जाता है तो पर्पज़ क्या है ऐसे टाइम वेस्ट करने तो ज़्यादा नहीं है ओबियसली तो रोल ऑफ टीचर टीचर का रोल क्या है वट शुड बी टॉट तो टीचर को क्या पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स को एंड बाय व्हाट मेथड किस तरीक? कौन कौन से तरीके एक टीचर को अपनाने चाहिए ताकि जो स्टूडेंट है उसको अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफी तो चलिए आगे देखते हैं आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया हो फाउंडर ऑफ मॉडर्न फलोसफी है सोक्रेट्स सोक्रेट्स वो एक जाने माने फिलोसोफर है कोट पे सॉक्रेट्स वो हमेशा बोलते थे द ओनली थिंग आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी लेकिन फिर भी उनको घमंड नहीं था वो हमेशा ये बोलते थे कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता यू कैन सी कि उनको किसी चीज़ का घमंड नहीं था कॉज उनको पता था एजुकेशन इज़ लाइक ओशन तो उनको पता था कि एजुकेशन फील्ड बहुत ही ज़्यादा डीप है बहुत वास्ट है इसको जितना जानो उतना कम है टीचर शुड हैव एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज टीचर जो है उसको हर हर किसी किस्म की नॉलेज होनी चाहिए उसको एक टॉपिक पता हो तो वो ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है उसको हमेशा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ताकि वो हर किसी किस्म के स्टूडेंट को हैंडल कर पाए फिलॉसफी जो है दैट स्टार्ट्स विद द फीलिंग ऑफ वंडर डाउट क्यूरियोसिटी, स्केप्टिसिज्म, क्रिटिसिज्म। ये जो फिलॉसफी है ये हमेशा हैरानी सरप्राइज से स्टार्ट होती है जहाँ पे एक बंदा एक इंसान सरप्राइज हुआ कि ये कैसे हुआ ये क्या हुआ तो दैट इज़ कॉल्ड एज वहाँ पे फ़िलासफी स्टार्ट होती है कहीं पे किसी को डाउट हुआ कंसेप्ट के मुतिक किसी फ़िलासफ़र को तो वहाँ पे फ़िलासफ़ी स्टार्ट होती है क्यूरियासिटी स्टार्ट होती है इसमें फीलिंग ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डाउट क्रिटिसिज्म बट इन हेल्दी वे नॉट इन नेगेटिव वे हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन फलासफी एंड एजुकेशन ओके आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि आपको आसान लफ, लफ्ज़ों में समझाऊँ जो बिगिनर होगा जिसने पहली बार ये टॉपिक सर्च किया हो या पढ़ना चाहो हो आई होप मैंने उसका कंसेप्ट क्लियर किया तो मेन फंक्शन ऑफ फलासफी इज़ टू क्रिएट नॉलेज फंक्शन क्या है पहला ही कि नॉलेज क्रिएट करे बच्चों में स्टूडेंट्स में या टीचर्स में फिलासफी इज़ एक्चुअली द रीज़न फॉर एजुकेशन फ़ील्ड फ़िलासफी की वजह से ही फील्ड ऑफ एजुकेशन एग्जस्टेंस में आया है फ़िलासफी इज़ दॉर्नर स्टोन ऑफ एजुकेशन फ़िलासफी की जो एजुकेशन की नीब है दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ़िलासफी फ़िलासफी एंड एजुकेशन शार्पली इंफ्लुंसिस इच अदर फ़िलासफी और एजुकेशन जो है ये इन्फ्लुंस करते हैं आपस में एजुकेशन विदाउट फ़िलासफी इज़ ब्लाइंड एंड फिलासफफी विदाउट एजुकेशन इज़ इनलड जो एजुकेशन है दैट इज़ ब्लाइंड विदाउट फिलासफी एंड एजुकेशन इज़ इनल विदाउट फ़िलासफी फ़िलासफी इज़ विज़डम एंड एजुकेशन ट्रांसमिट दैट विजडम फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन फ़िलासफी जो है ये एक हाइस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है जो टीचर्स एक स्टूडेंट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं फिलासफी देर इज़ नो आस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन बिच इज़ नॉट इनफ इंफ्लुएंसड बाई फ़िलासफ़ी ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं है जो इन्फ्लुएंस ना हो बाई फ़िलासफी चाहे वो फिर करिकुलम हो सिलेबस हो एक्टिविटीज़ हो सिलेबस में वो भी फ़िलासफी की वजह से ही आया है टीचर्स की एक्टिविटी या मैथड्स ऑफ टीचिंग भी बिकॉज ऑफ फ़िलासफ़ी आया है टेक् टेक्स्ट बुक्स जो फ़िलासफर्स ने रिसर्च किया या अपनी थ्योरीज या अपनी नॉलेज इंक्रीज़ की is, तो वो टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड किया गया है मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ़िलासफ़ी तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड शेयर थैंक यू